हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिजिक्स वाला के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और आप लोग एंटर कर चुके हो पुनिया जी की मैथ्स की दुनिया के अंदर। पुनिया जी की मैथ्स की दुनिया के अंदर हम सर्कल्स चैप्टर पढ़ रहे थे, थ्योरम्स पढ़ी हमने, बहुत मजा आया सर। एक ही लेक्चर में सारे थ्योरम हमने कंप्लीट कर दी और आज एक लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चंस खत्म कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है बच्चे, जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स तो गेम है प्रैक्टिस का दोस्तों। मैथमेटिक्स में अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो वाली बात हो जाती है, राजमा चावल में राजमा नहीं है सिर्फ चावल बच जाते हैं, ब्रेड बटर में बटर नहीं है सिर्फ ब्रेड बच जाती है। सेम मैथमेटिक्स के साथ भी है दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। चाहे मैं कितना ही पढ़ा दूं आप लोगों को, आप लोगों के दिमाग में कितना ही आपने बिल्कुल ऐसा रट्टा मार लिया है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि पेपर में जाते ही क्या होगा, अरे सर ने पढ़ाया तो था कुछ बट याद नहीं आ रहा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो पेन है ना बिना रुके चलेगा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, जल्दी 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 पेन चलेगा और आपका पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा वादा है। अगर आप मेरी तरह जो मैं आपको बोल रहा हूं वो करते रहोगे तो जरूर रिजल्ट दिखेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं चैप्टर सर्कल्स की। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर था सर, गोला पढ़ा दिया आपने हमें और काफी बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर दिया स्फेयर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, ये स्फेयर आएगा उस क्वेश्चन का आंसर पिछले लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चन का। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिए थ्योरम्स आपने पढ़ ली है तो इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेपर में तो सर टाइम लिमिट होती है ना, यहां तो आप हमें पढ़ा देते हो हम करते रहते हैं आराम से, लेकिन पेपर में तो आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि कितना टाइम है हमारे पास। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर AC is the diameter of the circle. अगर diameter है तो obviously straight line होगी, ठीक है सर। And AB is equals to CD. सर अगर chords equal हैं तो center पे equal angle subtend करेंगे। Theta निकालने के बोल रहा है, ये एक theta दे रखा है आपको, ये भी theta होगा। हाँ सर। Can I say AC is a straight line? हाँ सर। तो can I say अगर straight line है तो सारे angles का sum कितना होगा? 180 डिग्री। तो कहना इसे थीटा प्लस 50 कितना है, 50 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। खत्म हो गया सवाल सर, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 50 उधर जाएगा तो 180 में से सबट्रैक्ट होगी कितना बचेगा 130, थीटा विल बी इक्वल टू 65 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, इत्तु सा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है ये, कैसे टाइप का क्वेश्चन है ये, आप लोग कमेंट में बताओगे। हमारे हम क्या बोलते हैं वैसा टाइप का क्वेश्चन है ये, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चन था सर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिएगा ध्यान से। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल दे रखा है, कॉर्ड की डिस्टेंस दे रखी है, कॉर्ड की लेंथ दे रखी है, ऑब्वियसली रेडियस पूछेंगे। तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। देखिए ध्यान से, मुझे पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है सर। तो कहना ही से कि एपी इज इक्वल टू पीबी इज इक्वल टू 24/2 दैट इज 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी दे रखी है आपको बेटा 24, तो ये ऑब्वियसली कितना आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना 12। ओके सर। कैन आई से ओपी इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर। हाँ सर। नाउ ट्रायंगल एओपी में कैन आई से पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस सर को याद करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ सर अप्लाई कर सकते हैं। That will be AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर,
सिंपल क्वेश्चन बच्चे, AO हमें निकालना है, दैट इज रेडियस। तो आर स्क्वेयर इज इक्वल टू OP स्क्वेयर। OP कितना है बेटा? 5 का स्क्वेयर। ऑब्वियसली वैसे आपको ट्रिपलेट्स याद होंगे, अगर आपको याद नहीं है तो ट्रिपलेट्स जरूर याद रखिएगा। 5, 12, 13 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, नहीं होता है तो नहीं याद है तो अभी पता लग जाएगा। देखिए 12 का स्क्वेयर, 5 स्क्वेयर इज 25, 12 स्क्वेयर इज 144, दोनों को सम करोगे तो कितना आएगा? 169। तो कैन आई से रेडियस स्क्वेयर इज इक्वल टू 169, तो रेडियस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर है। ये मत बोलिएगा सर -13, रेडियस नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। तो R इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो बेसिक बेसिक ट्रिपलेट होते हैं बेटा, जैसे 3, 4, 5 ये ट्रिपलेट है। क्या मतलब हुआ ट्रिपलेट का? कि 3² + 4² इज इक्वल टू 5² सिमिलरली एक और ट्रिपलेट जैसे अभी हमने देखा 5, 12, 13 5² + 12² इज ऑलवेज इक्वल टू 13² नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ओके हमें क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। तो ये OP 5 दे रखा है एंड OR भी 5 दे रखा है। लिख लेते हैं बेटा, OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जितनी इंफॉर्मेशन दी जाती है पहले वो तो लिख दें, क्या पता कोई दिलदार टीचर मिल जाए और कुछ लिखने के ही मार्क्स दे दे आपको, है ना। तो आइए देखते हैं क्या दे रखा बेटा। PQ एंड RS आर टू पैरेलल कोर्ड्स, ठीक है सर। ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है सर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दैम इफ दे आर ऑन द सेम साइड। पहले क्या बोला है? सेम साइड ऑफ द सेंटर, तो फिगर यही बनेगा सेम साइड में। हमें क्या बोल के रखा है बेटा कि हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू कोर्ड्स निकालना है, ओके। तो वी नीड टू फाइंड, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं बेटा यहां पे, तो हमें AB की वैल्यू निकालनी है। आई थिंक ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यही तो होगा। तो मुझे AB की वैल्यू निकालनी है, AB की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है सर, ओके। कैन आई से, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, देखिए ट्रायंगल। अच्छा पहले देखिए, क्या मैं बोल सकता हूं PQ के परपेंडिकुलर OA है? हाँ सर, पता लग रहा है OA परपेंडिकुलर है। तो कैन आई से कि वो PQ को बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कोर्ड दोस्तों। तो वी कैन से PA इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू PQ की लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8/2 दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो हमारे पास PA की वैल्यू आ गई दोस्तों 4, OP की वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो किसमें? OAP में, OAP ट्रायंगल में पाइथागोरस। देखो दोस्तों मैं कर क्या रहा हूं, पहले मैं OA निकालूंगा फिर मैं OB निकाल दूंगा पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, क्योंकि मुझे दोनों कोड की लेंथ पता है और रेडियस पता है। तो ऑब्वियसली पहले केस में मैं ये OA निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा OA। सेकेंड केस में क्या निकाल दूंगा बेटा? पूरा AB निकाल दूंगा, सॉरी OB निकाल दूंगा। तो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच का डिस्टेंस बच जाएगा। तो अगर OAP ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यू विल गेट OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। सिंपल सा ट्रिपलेट है बेटा, देखिए ध्यान से। OA की वैल्यू आपको चाहिए, PA की वैल्यू कितनी आई? 4। तो OA स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू OP विच इज रेडियस 5 स्क्वायर। तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि OA कितना आएगा, अगर कैलकुलेट करोगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। सिंपल सा है कैलकुलेट, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, ठीक है सर। सिमिलरली जब आप ट्राइंगल ORB में पाइथागोरस लगाओगे तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू RB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। हाँ सर सही कह रहे हो, यही होगा। क्या मुझे OR की वैल्यू पता है? हाँ सर 5 सेंटीमीटर। क्या मुझे RB की वैल्यू पता है? हाँ सर। कैसे? क्योंकि RB के परपेंडिकुलर है OB, तो RB
RS के परपेंडिकुलर है OB, तो RS को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पूरी लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, तो हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। ये प्लीज लिख लीजिएगा आप, कई बच्चे अदरवाइज कमेंट करेंगे तो सबको पता लग गया कि ये कितना आ जाएगा, OB 4 सेंटीमीटर। पहले OB कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा बन रहा है बेटा, यहां पे कहीं O है, ये फिगर O, ये A लेंथ, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये पूरी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। तो कैन आई से डिस्टेंस बिटवीन द कोर्ड्स व्हेन दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर इज 1 सेंटीमीटर। आप इसको लिख भी सकते हो, AB इज इक्वल टू OB माइनस OA, तो 4 माइनस 3 दैट इज 1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अगर दूसरा पार्ट की बात करूं, समझ में आया होगा, आई होप सो। देखिए एक सॉल्व कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अगर मुझे समझाना ना होता तो ऐसे सॉल्व हो जाता, हवा में सॉल्व कर देते, लेकिन चलिए हम अभी सर बच्चे हैं, रहम करो हमारे ऊपर, सॉल्व करके दिखाओ, दिखा दिया। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बेटा क्या है, व्हेन दे आर ऑन द अपोजिट साइड। तो सिंपल सा बात है बेटा, देखो ध्यान से, कोई सर्कल दे रखा है आपको, ठीक है, ये आपको सर्कल दे रखा है दोस्तों, कैन आई से कि मुझे सेंटर भी पता है, सेंटर क्या है, ओ सेंटर है सर, एक कोड है पी क्यू, दूसरी कोड है आर एस, ठीक है सर, दे आर ऑन द अपोजिट साइड। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं कि दे आर ऑन द अपोजिट साइड, तो कैन आई से इसकी लेंथ, मुझे ये वाली लेंथ चाहिए O, A और ये B, वी नीड टू फाइंड ए बी इन दिस केस, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ए बी हुआ सर, तो कहना इसे पी क्यू पूरी थी 8 सेंटीमीटर, तो ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तभी तो डिस्टेंस आएगी। जब भी मैथमेटिक्स में डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होनी चाहिए, अनटिल एंड अनलेस कुछ गिवन हो कि इस एंगल पे निकालना चाहिए। आपके लेवल पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ये तो 11वीं 12वीं कक्षा में जब आप जाओगे तब वो एक एंगल पे डिस्टेंस पूछते हैं, जो हमें अभी सोचना नहीं है, ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए सर, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि उसके कंसेप्ट और भी हैं। तो अभी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करनी है। देखिए पूरा 8 था तो ये 4 बच जाएगा बेटा, ये भी 4 और ये भी 4, ये पूरा 6 था तो ये 3, ये भी 3, देखिए ध्यान से सेंटर से मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है सर, रेडियस कितनी दे रखी है, ये 5 है, ये भी 5 है, ठीक है सर, कैन आई से पाइथागोरस थ्योरम जब लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस 3 आ जाएगा, और इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये डिस्टेंस 4 आ जाएगा, तो डिस्टेंस ए बी कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। एक बार खुद ट्राई करिएगा, दो ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ आर बी, इन दोनों में पाइथागोरस लगाओगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, 9.6 के अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, 9.6 के अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क है, बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है सर, AB एंड AC आर द टू कोड सच दैट AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है, ठीक है सर, एंड उन दोनों की लेंथ कितनी दे रखी है बेटा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है सर, इफ OA, ये जो लाइन है OA इज परपेंडिकुलर टू BC,
OA is perpendicular to BC, you need to find the length of the chord BC. आपको BC की वैल्यू निकालनी है, ये जो लेंथ है BC, इस चीज की वैल्यू निकालनी है. तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि देखिए परपेंडिकुलर है तो सिर्फ BM पे काम कर लेते हैं. जैसे ही मैं BM पे काम करूंगा तो उसके जो भी BM आएगी उसकी दुगनी कर दूंगा तो BC की वैल्यू आ जाएगी. लेकिन सर BM पे काम कैसे करें? कुछ नहीं करना. देखिए ध्यान से, ट्रायंगल OBM में ध्यान से देखिए. कैन आई से ये वाला एंगल 90 डिग्री है? हाँ सर 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है. कैन आई से मैंने लेट अस अज्यूम OM को x मान लिया बेटा, x सेंटीमीटर मान लिया. ठीक है सर. तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर. हाँ सर ठीक है. कैन आई से OB स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 स्क्वायर. OM स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? x स्क्वायर. कैन आई से BM स्क्वायर की हमें वैल्यू पता नहीं है तो सर BM स्क्वायर ही पढ़ा रहने देते हैं. ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी? 1 होगी. ठीक है सर, समझ में आ गया. सिमिलरली ट्रायंगल BMA के अंदर पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लगा रहा हूं. क्यों बच्चे? क्योंकि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो एंगल BMA, ये वाला एंगल भी तो 90 होगा. हाँ सर BMA भी 90 डिग्री होगा. तो कैन आई से इसके अंदर अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर. अब यहां पे छोटा सा कैच है जो आपको समझ में आना चाहिए था. क्या है कि AB की वैल्यू तो आपको पता है 6 स्क्वायर होगी. ठीक है, BM स्क्वायर आपको नहीं पता. लेकिन व्हाट अबाउट MA? MA की वैल्यू आपको इनफैक्ट पता है. कैसे पता है? देखिए ध्यान से. क्या मैं बोल सकता हूं ये पूरी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी? क्यों सर? बिकॉज ये क्या है? रेडियस है सर. अरे दिमाग में नहीं आया सर. तो ये 5 सेंटीमीटर है. इनफैक्ट कैन आई से OA इज इक्वल टू OM प्लस MA. हाँ सर, दोनों का सम ही तो है. और OA की वैल्यू 5 है, OM की वैल्यू x अज्यूम की थी आपने यहां पे. तो OM इस साइड आएगा तो 5 माइनस x इज इक्वल टू MA. तो MA की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 5 माइनस एक्स. जैसे ही MA की वैल्यू यहां पुट करोगे 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो यहां से क्या आएगा दोस्तों? 6 स्क्वायर माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BM स्क्वायर. ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. 1 और 2 ये भी BM स्क्वायर के पास. देखो इसको मैं x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देता हूं तो क्या आएगा? देखिएगा ध्यान से, जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा तो कुछ आएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर. हाँ सर, दोनों BM स्क्वायर के बराबर हैं. दोनों को इक्वेट करोगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी. जैसे ही x की वैल्यू आएगी फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे किसी भी ट्रायंगल में. इसमें लगा OBM में लगा लीजिए चाहे BMA में लगा लीजिए, एक ही बात है, आपका आंसर आ जाएगा. तो प्लीज ट्राई करिएगा. कैलकुलेशन पार्ट है, जो मेन इंपॉर्टेंट जो था, कैच था, वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर सर्कल्स विद सेंटर सी एंड डी इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट पी एंड क्यू. इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये इसके पैरेलल है, देन शो दैट ए बी इज ट्वाइस ऑफ सी डी. ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी डी. ठीक है सर. देखिए मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी दोस्तों. क्या कंस्ट्रक्शन की मैंने? ड्रॉ सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए बी. मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बेटा ऐसे, और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. ये दोनों परपेंडिकुलर है. ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा बेटा? एम. और ये कौन सा पॉइंट है? एन.
बस इतना सा मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, क्यों किया देखिए ध्यान से, कैन आई से CM इज परपेंडिकुलर टू AB, प्रूफ कर रहा हूं बेटा, CM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड DN इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है सर। तो अगर कंस्ट्रक्शन से दोनों एक ही लाइन के परपेंडिकुलर हैं तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे सर। तो कैन आई से CM इज पैरेलल टू AB एंड MN इज, सॉरी पैरेलल लिखना था यार, CM इज पैरेलल टू AB एंड MN इज पैरेलल टू CD। हाँ सर ये तो गिवन ही था, तो ये तो आपने पहले ही बताने की जरूरत ही नहीं थी, इतने मासूम थोड़ी ना है सर हम। ठीक है भाई, ठीक है मान लेते हैं। तो कहना इसे अगर दोनों लाइन पैरेलल है और 90 डिग्री भी है, पैरेलल भी है और 90 डिग्री भी है, देखिए यहां से 90 डिग्री बन रहा है एंगल, तो कहना इसे वो एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा। पहले अगर ऐसा नहीं करना तो पहले PQRS सॉरी इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लीजिए, फिर एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल हो जाएगा। बट आप थोड़े बड़े हो चुके हो, अरे सर 10 दिन के अंदर बड़े हो गए, अरे सब्जेक्ट में थोड़े बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, तो कहना इसे कि ये एक रेक्टेंगल फॉर्म होगा, तो सी डी एन एम इज अ रेक्टेंगल, यहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो एज सी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर कैन आई से सी डी इज इक्वल टू MN, ठीक है सर। तो अब देखिए ध्यान से, CD is equals to MN को मैं क्या लिख रहा हूं, इस पूरी लाइन को MN को MP plus PN लिख सकता हूं, हाँ सर MP plus PN, और MP एक्चुअल में मोहित पुनिया नहीं है, एक्चुअल में MP क्या है, हाफ ऑफ AP है। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, अगर मैं AP का हाफ करता हूं तो वो क्या आएगा, MP as CM is perpendicular to the chord AP, और अगर perpendicular है तो bisect करेगा सर, तो MP को क्या लिखा जा सकता है, half of AP, हाँ सर। Similarly PN को क्या लिखा सकता है, हाफ ऑफ PB, ठीक है सर। तो अगर मैं दोनों को कॉमन लेता हूं तो AP प्लस PB कॉमन आ जाएगा इज इक्वल टू CD आ जाएगा, और ये 2 उधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ CD इज इक्वल टू AP प्लस PB इज AB, और यहां हम क्या लिखेंगे जो आपने कमेंट सेक्शन में बताया था, हेंस प्रूव्ड सर, पिछले लेक्चर के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आइए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि सर पेपर आ रहे हैं। इफ टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड है बेटा टू द डायामीटर, डायामीटर के ऊपर क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब ये क्या है, डायामीटर है AD, और जो ये एंगल फॉर्म कर रहा है, एक एंगल ये वाला और एक एंगल ये वाला, दोनों क्या है बराबर है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन प्रूव दैट द कोर्ड्स आर इक्वल। देखिए बड़ा सस्ता सा सवाल हो गया, कैसे, मैंने क्या कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, देखो समझा देता हूं, कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ की, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, OL ऐसे लिख लीजिए, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए एम परपेंडिकुलर टू ए सी, बस इतना सा काम करना है, जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा, हाँ सर। अब देख लीजिए ट्राइंगल प्रूफ, देख लीजिए क्या कर रहा हूं बेटा, दो ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, कौन कौन से, एक ए एल ओ, ए एल ओ एंड ट्राइंगल ए एम ओ, दोनों ट्राइंगल को जैसे ही मैं देखे ध्यान से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूंगा, कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करूंगा, देखो एक एंगल 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ये एंगल इसके बराबर, तो कुछ ऐसा बन रहा है ना दोस्त, देखो बना के दिखा देते हैं, यहां पे
ये 90, ये 90, ये एंगल इसके बराबर, ये साइड कॉमन। तो ए ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो अगर ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हैं हम तो क्या आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, ट्राइंगल ए एल ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए एम ओ बाय एंगल एंगल साइड। सो फ्रॉम हेयर यू कैन से ए एल इज इक्वल टू ए एम। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके डबल भी बराबर होंगे, तो ट्वाइस ऑफ ए एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, और ट्वाइस ऑफ ए एल क्या आएगा, ऑब्वियसली सर ए बी, क्योंकि कॉर्ड इज बाइसेक्टेड बाय द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, तो ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम, दैट इज ए सी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर कॉर्ड two equal chords AB and CD of the circle, chords equal दे दी इस बार, इस बार क्या करा, chords equal दे दी है दोस्तों, AB and CD of the circle with center O, with center O, ठीक है सर। When produced meet at the point E, दोनों को produce किया point at E पे मिलते हैं, prove that BE is equals to DE and AE is equals to CE। सस्ता सा सवाल है सर, पिछले सवाल का कॉपी है सर, कैसे देखिएगा ध्यान से, कैन आई से अगर कोर्ड्स इक्वल हैं देन दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये तो थ्योरम आपने पढ़ाई थी सर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, यहां पे लिख सकते हो आप कोर्ड्स Equal chords are equidistant. Equal chords are equidistant from the center. ये आपको पता है, हमने लिख लिया, ठीक है सर। देखो यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, Equal chords are equidistant from the center. ठीक है सर। Can I say, अब बस ट्राइंगल उठाना है आपको, ट्राइंगल जो चीज प्रूव करनी है, देखिए ध्यान से, BE is equals to DE प्रूव करना है, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर प्रूव करनी है, साफ साफ दिख रहा है। देखो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ, दोनों इक्वल कोर्ड्स है, पहली बात तो ये जो ए बी लेंथ है वो इसके बराबर है, हाँ सर, तो इसका हाफ जो होगा वो इसके हाफ के बराबर होगा, हाँ सर, तो इसका मतलब क्या है, एल बी इज इक्वल टू एम डी, यहां पर आप लिख सकते हो ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हाफ ऑफ ए बी is equals to half of CD, half of AB कितना है बेटा, LB, half of CD कितना है, MD, ये भी बराबर आ गया, हाँ सर, ये तो मुझे पता है, bisect करते हो, वो वाले theorem लिख देंगे हम। अब क्या करोगे आप, इन दोनों triangle को उठाओगे, कौन कौन से, triangle OLE and triangle OME, triangle OLE and OME, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं, कौन से रूल से, देखिएगा ध्यान से, कैन आई से ओ एल इज इक्वल टू ओ एम, हां सर, प्रूव कर दिया आपने। नेक्स्ट वी कैन से ओ ई इज इक्वल टू ओ ई, दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट वी कैन से एंगल ओ एल ई इज इक्वल टू एंगल ओ एम ई, हां सर, ईच 90 डिग्री, सो फ्रॉम हेयर RHS रूल से बच्चे, बाय RHS बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट सर, ठीक है, समझ में आ गया सर। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए, बाय CPCT यू कैन से LE इज इक्वल टू ME, क्या है बेटा, LE इज इक्वल टू ME, बस सर यही प्रूव करना था, जैसे ही LE इज इक्वल टू ME आया बच्चे, सो वी कैन से अगर दोनों चीजें, ये E है, ये ड्रावना सा जो दिख रहा है वो क्या है, E है, मैं चाह रहा था इसको रब करके, ठीक है लो, ये क्या है, E है सर, इज इक्वल्स टू एम ई, एल ई इज इक्वल्स टू एम ई, और अगर दो इक्वल क्वांटिटी में से कुछ इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमेनिंग पार्ट भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा सर। सो फ्रॉम हियर यू कैन से LE में से LB सब्ट्रैक्ट किया, LE में से LB सब्ट्रैक्ट किया, LM में से MD सब्ट्रैक्ट किया,
तो क्या बचा, BE इज इक्वल टू DE, या आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपकी 1 होगी, ये 2 होगी, 2 माइनस 1 करोगे तो प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, AE इज इक्वल टू CE, इसको मैं प्रूव कर देता हूं, तो LE माइनस LB इज इक्वल टू ME, सॉरी ME माइनस MD, सो फ्रॉम हियर BE इज इक्वल टू DE। ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया दोस्तों, और अगर इसमें कुछ इक्वल ऐड करोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, इक्वल आएगा। तो इक्वल क्या ऐड कर रहे हैं, ए बी सी डी के बराबर है, जैसे ही ऐड करोगे सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर क्यू आर द टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अरे सर ऐसे गुगली फेंकने की कोशिश की, लेकिन हम तो समझदार हैं, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉर्ड्स आर इक्वल। सर यही आपको क्वेश्चन के अंदर से निकालना पड़ेगा, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आपने कहा इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, तो कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है सर, इफ एंगल क्यू आर एस एंड क्यू पी एस इज 90 डिग्री प्रूव दैट द डायमीटर क्यू एक्स बाइसेक्ट्स द एंगल पी क्यू आर एंड पी एस आर। सिंपल सवाल है बच्चे, देखिए ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है सर, ये साइड इसके बराबर दे रखी है, ठीक है सर, और ये कॉमन दे रखी है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सर, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू पी एस एंड ट्राइंगल क्यू आर एस, बोथ आर कॉन्ग्रेंट बाय द रूल आर एच एस, ये खुद लिख सकते हो, अदरवाइज हम लिख देते हैं, देखिए ध्यान से, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एस कॉमन, कैन आई से क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर कोड्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल। हां सर समझ में आ गया, एंड एंगल क्यू आर क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस इच 90 डिग्री, तो बाय आर एच एस दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, और बाय सीपीसीटी जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। सस्ता सवाल सर, जो आपने अभी हमें पहले पूछा था कि क्या कैसे टाइप का सवाल है, वो कैसे टाइप का सवाल था, सस्ता सवाल सर, इतू सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बैठते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल ए ओ सी, क्या निकालना है, एंगल AOC निकालना है। देखिए ध्यान से, सिंपल सा लग रहा है सर, AOC निकालना है, एंगल AOC। अच्छा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एंगल AOC होगा दोस्तों, ये वाला एंगल जो होगा ना, ये वाला, ये जो बाकी बचा हो उसको रिफ्लेक्स एंगल AOC बोलते हैं, तो आपको AOC एंगल निकालना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब मैं इसके अंदर फिगर के अंदर सॉल्व कर दूंगा, आप ये लिख लीजिएगा, कैन आई से AO इज इक्वल टू BO, क्यों सर, रेडियस है। हाँ सर समझ में आ गया, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे सर, तो अगर ये 30 है तो बेटा ये भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सिमिलरली कैन आई से OC इज इक्वल टू OB, तो OC के अपोजिट एंगल कितना है, ये वाला, ये कितना आ जाएगा, 40, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड सर इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी सर बराबर होते हैं, ये आपने हमें सिखाया है। चलिए, तो अगर कहनाई से कि इन दोनों का एंगल, ये एक एंगल 30 आ गया, एक एंगल 40 आ गया, तो कहनाई से एंगल ABC कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, 30 प्लस 40 70 डिग्री, और एंगल AOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC, क्यों, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करते हैं वो ट्वाइस होता है किसके, किसी और पार्ट पे सबटेंड किए गए एंगल के, यही तो थ्योरम थी सर। अरे थ्योरम याद रखिएगा, थ्योरम भूल जाओगे तो खत्म, काम ही खत्म हो गया, थ्योरम का ही तो खेल है। तो कहना इसे AOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 × 70 दैट इज 140 डिग्री। सिंपल सस्ता सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? इसमें आपको अच्छा क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन शब्द नए हैं इसके अंदर। एक है बेटा सरकम सर्कल। सरकम सर्कल का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी अगर ट्राइंगल होता है, अगर इन तीन वर्टेक्स से पास होने वाला अगर है कि आप सर्कल ड्रॉ कर दो, तो वो सर्कल इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल कहलाएगा। जैसे ए बी सी जो ट्राइंगल है उसका अगर सर्कल ड्रॉ करूं, तो ये जो सर्कल बना है इसको मैं क्या बोलूंगा? सरकम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और इसी का सेंटर क्या कहला जाता है? सरकम सेंटर कहा जाता है। इसी की रेडियस को क्या बोला जाता है? सरकम रेडियस बोला जाता है। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगल बी ए सी जो है वो है 30 डिग्री। शो दैट द लेंथ बी सी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल। रेडियस ऑफ द सरकम सर्कल अगर ओ सेंटर है तो मतलब कि मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ क्या करना है दोस्तों? कि मुझे प्रूफ करना है कि बी सी इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल है और इनफैक्ट इज इक्वल टू ओ सी। जैसे ही मैंने ये लाइन लिखी ना, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि सर बी सी लेंथ इक्वल टू ओ सी लेंथ इक्वल टू ओ बी लेंथ। इसका मतलब आप ये वाला ट्राइंगल जो है उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलने की कोशिश कर रहे हो। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है सर, अब आया समझ में, अब खेल खत्म हो गया सर। कैसे? कि क्योंकि मुझे पता है, मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल बी ओ सी को इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तभी तो होगा। हाँ सर, ये आपको क्या करना है? टू प्रूव करना है। अरे ये तो हो गया, कैसे? देखिए ध्यान से, कैन आई से, ये तो आपको गिवन ही है ना प्रूफ। देखिए ध्यान से, कैन आई से OB इज इक्वल टू OC रेडियस? हाँ सर। एंड एंगल BOC, एंगल BOC कितना आएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। हाँ सर, थ्योरम। तो ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री कितना बचा बेटा? 60 डिग्री आ गया। तो अगर ये वाला एंगल बेटा 60 डिग्री आता है, ये एंगल मैं थीटा अज्यूम करता हूं, तो ये भी तो थीटा ही आएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या है? वो तो क्या है? बराबर है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो कहना इसे 2 थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल कौन से में? ओ बी सी में। ठीक है सर, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। तो सिंस ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, वी कैन से दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बेटा बी सी जो है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन इजी, वर्ड टफ, दिखने में डरावना लेकिन है आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवा रहे हो सर, पता नहीं क्या। अरे चैप्टर ही बड़ा सिंपल है, थ्योरम्स का प्रूफ आ गया, वो हमने सीख लिया, उसके बाद क्वेश्चंस, उसी की एप्लीकेशन। एक एक लाइन, दो दो लाइन में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ए बी। ये जो कोड ए बी है इसने सेंटर पे एंगल कितना किया? 90 डिग्री। एंड एक ए सी ने कितना किया बेटा? 110 डिग्री। फाइंड एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल निकालना है। साफ साफ समझ में आ रहा है, ये 90, ये 110 है, तो कितना हो जाएगा? टोटल 200 हो गया। तो ये वाला एंगल जो बचा वो कितना बचा बेटा? कितना बचा? 160 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड आपने बताया था सर 360 डिग्री एंगल होता है। 90 यहां पे हो गया, 110 यहां हो गया, सम कितना हो गया? अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। तो कहना इसे 90 प्लस 110 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। 90 प्लस
तो ये 200 प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 160 डिग्री। जैसे ही 160 डिग्री आई, वी नो दैट एंगल BOC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, यही तो थ्योरम है सर। तो BOC की वैल्यू है 160 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल BAC। ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एंगल BAC कितना आ गया दोस्तों 80 डिग्री। सर सस्ता सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन समझ में आना चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है कि BC इज अ कोण विद सेंटर O, ठीक है सर। A इज अ पॉइंट ऑन द आर्क BC एज शोन इन द फिगर। A क्या है, पॉइंट है कौन से पे, आर्क पे। एक बार मेजर आर्क पे है और एक बार माइनर आर्क पे है। देखिए ध्यान से, एक ये BC कोण है, ये माइनर आर्क पे पॉइंट हो गया और ये मेजर आर्क पे पॉइंट हो गया। प्रूव दैट BAC, एंगल BAC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 90 डिग्री इफ A इज ऑन द मेजर आर्क। तो ये वाला पोर्शन हम पहले कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। हमें क्या प्रूव करना है, अगर हम जैसे हमने मार्क किया हुआ है, तो अगर एंगल X है, ये मैंने Y बोल दिया बेटा, ये वाला एंगल Y, तो इसके अपोजिट ये वाला भी तो Y होगा। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। और सर ये तो आपने समझा ही दिया, तो कहना इसे दोनों एंगल Y होंगे। हाँ सर, एक यहां पे एंगल मैं ये वाला मार्क कर लेता हूं Z, ठीक है सर। Z मार्क कर दिया आपने। अब देखिए ध्यान से, कैन आई से Z इज इक्वल टू 2x। ये वाला एंगल, ये देखिए कोण BC, देखिए एक सेंटर पे एंगल कितना बना रहा है Z, अदर पार्ट ऑफ द सर्कल X। द एंगल सबटेंडेड बाय द कोण एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो मुझे एक वैल्यू पता लगी, Z इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट देखिएगा, ट्राइंगल ओ बी सी। अच्छा पहले मैं लिख देता हूं आपको प्रूफ क्या करना है। एंगल बी ए सी मतलब कि x प्लस एंगल ओ बी सी प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। x प्लस y की वैल्यू कितनी है बेटा 90 डिग्री, सिंपल सा है, यहां लिख देता हूं x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है सर। अब ट्राइंगल ओ बी सी में क्या मैं बोल सकता हूं, y प्लस z, तीनों का सम कितना होगा बेटा 180 डिग्री। z किसके बराबर है 2x के, y प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या किया बेटा, y और y को तो ऐड कर दिया, z की जगह 2x रिप्लेस कर दिया। क्या मैं बोल सकता हूं 2 कॉमन आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म। सिंपल सवाल खत्म हो गया। सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट में भी कर सकते हो। कैसे बेटा, देखिए ध्यान से, मैंने मार्किंग की हुई है, अगर आपको दिख पा रहा है तो ये एंगल जो है ऊपर वाला एंगल मैंने T माना है। क्या माना है, T, और ये नीचे वाला एंगल जो है वो मैंने Z माना है। सिमिलरली ये एंगल X माना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे भी मैं बोल सकता हूं सेकेंड पार्ट में Z इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। हाँ सर, देन वी कैन से y प्लस t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री आ जाएगी, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 180 माइनस 2y। हाँ सर समझ में आ गया। एंड t प्लस z की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 360 डिग्री। t प्लस z की वैल्यू 360 डिग्री, अराउंड अ पॉइंट प्रूव करना 360 डिग्री होता है सर, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही यहां पे t की वैल्यू पुट करोगे और z की वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए t की वैल्यू कितनी है 180 माइनस 2y, z की वैल्यू कितनी है दोस्तों प्लस 2x इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस चीज को मैं 180 तो उधर चला गया तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है सर। 2x माइनस 2y लिख सकता हूं, That is 2 of x minus y is equals to
जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 360 में से 180 तो 180 बच जाएगा, जैसे 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 90 बच जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था। आप देख लीजिएगा एक बार, सस्ता सवाल जबरदस्त आंसर, पुनिया सर का कमाल हो गया है। कमाल आप लोगों का है दोस्तों, इतना जो पढ़ रहे हो आप, थैंक यू सो मच, मुझे बड़ी ही खुशी हुई। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि आपका प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर मैं आपको पहले देने वाला था, लेकिन मैं आपके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देख रहा था, इतनी खुशी आप सर्कल्स चैप्टर के ऊपर आपने बरसाई कि मैंने कहा चलो बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे। ये सजा नहीं है, ये तो वरदान है आप लोगों के लिए बेटा, ये तो आप क्वेश्चंस जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा आप लोगों को, ठीक है। आइए, अच्छा कल आपका एक और लेक्चर आएगा प्रोबेबिलिटी का। देखिए प्रोबेबिलिटी जिंदगी में जरूरी है, कल को क्या पता, मतलब चलिए छोड़िए, मतलब तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी तो आनी चाहिए ना यार, मतलब क्या तुक्का किस पे मारे, मैथमेटिक्स के बच्चे हैं। कल को हमें सर आदत लग गई जुआ हुआ की, और सॉरी ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम सर, बट कोई एक आधा है, अरे नहीं जस्ट किडिंग बेटा, आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर समझ में आएगा, कल 7 बजे उसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, देखिएगा मजा आएगा, अच्छा चैप्टर है, डे टू डे लाइफ यूज होने वाला चैप्टर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इज 69 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज 31 डिग्री, फाइंड एंगल बी डी सी। देखो साफ साफ दिख रहा है मुझे ये एंगल निकालना थीटा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि आर्क बी सी से यहाँ पे एंगल डी और यहाँ पे ये पॉइंट ए पे मिल रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ सेम आर्क आर इक्वल, सिंपल। तो कहना इसे थीटा की वैल्यू सिंपल आ गई है, तो इस ट्राइंगल में लगा दीजिए, इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है सर, 69 प्लस 31 100, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 80 डिग्री। खुद करके देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, सस्ता सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई सच दैट एंगल बी ई सी इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड एंगल बी ए सी। ये वाला एंगल निकालना है दोस्तों, बस दे रखा है फिगर में सब कुछ, ये एंगल थीटा है। देखिए इस कोड को देखिए, अगर यहाँ पे कोई कोड होती तो अगर ये बी सी पे यहाँ पे थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता। देखिए एक तो ऐसे जा रही है या फिर ऐसे आ रही होती, तो दोनों एंगल थीटा होते। हाँ सर समझ में आ गया कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है सर। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये 130 डिग्री है तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा। हाँ सर, एंड 50 प्लस 20 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री सर, तो थीटा की वैल्यू 110 डिग्री। ये मत पूछ लीजिएगा कि सर कैसे आया, सबसे सस्ता सवाल बेटा। बस बीसी आर्क बीसी को देखा, एक एंगल ये यहां पे ऐसे बना रहा है देखो ये रहा, और एक एंगल ये यहां पे ऐसे, गंदी नजरों से देखना पड़ेगा, ऐसे गंदी नजरों से तब जाके समझ में आएगा, अच्छी नजरों से, गंदी नजरों से सिर्फ सवाल देखिएगा, ठीक है, अच्छी नजरों से मत देखिए, गंदी नजरों से पूरा सब कुछ निचोड़ के निकाल दीजिए उसमें से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन फाइंड एंगल, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल देन फाइंड एंगल पी क्यू बी, पी क्यू बी ये वाला एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, कौन सी नजरों से देखा बताइए, गंदी नजरों से देखा सर। देखो पी बी जो आर्क है वो यहां पे एक एंगल थीटा बना रहा है, यहां पे भी एंगल थीटा बनाएगा, ये ए बी सेंटर से पास कर रहा है तो डायमीटर हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल इन द सेमी सर्कल इज सर 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ गई सर। कहना इसे थीटा प्लस 90 प्लस 48 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 42 डिग्री। खुद निकालिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितने इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही सर डरा रहे थे, सर्कल चैप्टर डरावना है, बच्चे डर जाते हैं, ए इतना बड़ा 12 थ्योरम है सर कैसे करेंगे, बेसिक सवाल, बेसिक क्वेश्चंस और सॉल्व करे जा रहे हैं। देखिए ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर
ए बी एंड सी डी आर द टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी दे रखा है, सच दैट ए पी इज इक्वल टू सी पी, ठीक है सर, शो दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी, बस बेटा कुछ भी नहीं करना, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर द टू कोर्ड्स, ठीक है, बस हमें क्या बोलना है बेटा, हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेट करना पड़ेगा, कौन कौन से ट्राइंगल को, देखिएगा ध्यान से, कैन आई से, ये देखिए इस कोड को ध्यान से देखिए, बस आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, यहां पे अगर कोड होती तो ये वाला एंगल जो बन रहा है, एक एंगल तो ये वाला बन रहा है दोस्तों, हाँ सर एक तो एंगल ये वाला बन गया, और दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है, दूसरा एंगल कुछ यहां पे बन रहा है सर ऐसे इसी कोड से, हाँ सर ये भी हो गया, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होता, बस क्वेश्चन खत्म हो गया सर, अगर ये दोनों थीटा है तो अब आप ट्राइंगल देखो, यहां पे बना देता हूं आपको फिगर, ए डी यहां कहीं पी है, सी और बी, ये थीटा ये थीटा, ये इसके बराबर वर्टिकली अपोजिट, और ये इस लेंथ के बराबर दे रखा है, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए तो ये वाली लेंथ इसके लेंथ के बराबर आ जाएगी, सॉरी किसके बराबर आ जाएगी, एपी किसके बराबर, देखें एपी इज इक्वल टू सीपी, अच्छा एपी इक्वल टू सीपी, तो ये इसके बराबर आ जाएगी, दोनों को ऐड करोगे तो जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, खुद करिएगा दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक कैच था कि आपको बी डी कोड देखनी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द सर्कल ड्रॉन एंड ऑन द एनी वन साइड ऑफ इक्वल, एनी वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज डायमीटर इज बाइसेक्ट्स द बेस, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की किसी इक्वल साइड पर अगर हम डायमीटर ड्रॉ करके अगर एक सर्कल बनाते हैं, उसको डायमीटर लेके एक सर्कल बनाते हैं, तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा, सॉरी बेस को बाइसेक्ट करेगा, कौन से बेस को, जो तीसरी साइड बची है, बेसिकली आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये लेंथ इसके बराबर है, हाँ सर, एंड ए बी डायमीटर लिया बेटा, उसको हमने डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया सच दैट इट इंटरसेक्ट बी सी एट द पॉइंट डी, ठीक है सर, वी नीड टू प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी, कंस्ट्रक्शन क्या है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है और कुछ नहीं है, देखिए सस्ता सा सवाल है, अगर आपको प्रूव करना है कि बी डी इज इक्वल टू डी सी तो ऑब्वियसली ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना पड़ेगा, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल दिख रहा है सर कैसे, बस आपको यह ध्यान रखना था कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज, एंगल इन द सेमी सर्कल सर्कल इज 90 डिग्री, चलो एक और क्वेश्चन भी दे देता हूं इसके साथ, चलो पहले यह बता देता हूं, 90 डिग्री है ये, 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है सर, ये लेंथ इस लेंथ के बराबर, ये कॉमन और ये ट्राइंगल, ये एंगल इसके एंगल के बराबर, तो बाय आरएचएस दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए बाय ब्रह्मास्त्र सर बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, प्रूव दैट एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यही आपको प्रूव करना है, किया हुआ है लेकिन करिएगा बाद में दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पता भी नहीं लगा 50 मिनट हुए हैं और आप 18-19 क्वेश्चन कर चुके हो, अच्छी स्पीड है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए सी एंड ए डी आर रिस्पेक्टिवली द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ठीक है सर, प्रूव दैट सी बी डी आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाइक करते हैं, कौन से पॉइंट, सी बी एंड डी, कैसे प्रूव करेंगे, वी नीड टू प्रूव दैट सी बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, जैसे स्ट्रेट लाइन प्रूव कर देंगे तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे सर, ये तो आपने बताया था कि दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होते हैं, तीन पॉइंट कोलिनियर हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइक करते हो सर, ठीक है समझ में आ गया, कैन आई से मुझे सी बी डी को स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, हाँ सर, और स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए मुझे याद है अगर लीनियर पेयर का सम, मतलब बेसिकली
अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी का सम अगर 180 डिग्री है तो वी कैन से सी बी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। यही तो हुआ, ये 90 डिग्री हो जाए और ये 90 डिग्री हो जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हाँ सर, और ये 90 डिग्री है कैसे, देखिए ध्यान से, कैन आई से एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल डायमीटर दे रखा है आपको इस सर्कल का, और ये एंगल फिर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा सर। सिमिलरली ये दूसरा सर्कल दे रखा है आपको, इसका डायमीटर AD है एंड ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा सर। दो एंगल का सम 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यही आपको प्रूव करना है, एंगल ABD की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, सेम रीजन से। तो दोनों का सम 180 डिग्री, अगर दोनों का सम 180 डिग्री है तो CBD इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस CBD आर कोलिनियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, आइए, इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC एंड ABC इज इक्वल टू एंगल 50 डिग्री। ABC की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 50 डिग्री। AB इज इक्वल टू AC, अगर ये 50 है तो फिर ये वाला भी 50 होगा। फाइंड एंगल BDC, सस्ता सवाल सर। देखिए ये 50, ये भी 50, दोबारा मार्क कर देता हूं। देखो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 50 डिग्री, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 50 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। 50 प्लस 50 प्लस 80 तभी तो 100 डिग्री होगा, हाँ सर, और सॉरी 180 डिग्री होगा, हाँ सर। और जैसे ही ये 50 डिग्री है तो ये भी, तो देखिए अगर ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल, एंगल बी ए सी इक्वल टू थीटा, देन एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। एंगल इन द सेम सेगमेंट, यो एंगल सब्टेंडेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल। देखिए BC से एक एंगल ये आ रहा है और BC से एंगल एक ये आ रहा है, तो दोनों एंगल कितने होंगे, थीटा होंगे। और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कह सकता हूँ थीटा प्लस 50 प्लस 50 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 180 में से 100 सबट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 80। तो एंगल BDC की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री, ये निकाल दिया। एंड BEC की देखिए ध्यान से, कैन आई से ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, कौन कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है बेटा। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के लिए आप ये नहीं बोलना कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि अपोजिट एंगल का सम 180, चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं तो वो साइक्लिक है। और अगर ये साइक्लिक है, ये एंगल अभी आपने 80 निकाला तो ये ऑब्वियसली 100 आएगा। क्यों आएगा 100, ये हमें पता है सर, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का कंसेप्ट है। क्या दे रखा है, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो फ्रॉम हियर यू कैन से 3x प्लस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, दैट इज 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 45 डिग्री, ठीक है सर। सिमिलरली y प्लस 5y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स, इस एंगल प्लस इस एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 6y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। अब जो आपसे पूछा है, चारों एंगल पूछे हैं, तो एक एंगल y, दूसरा एंगल 5y, तो ये 30 डिग्री, ये 150 डिग्री, एक एंगल x दैट इज 45 डिग्री और ये 3x दैट इज 135 डिग्री, खत्म सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है सर, एंड द कोड BC इज प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट टू द पॉइंट P। कोड BC को क्या किया, P पॉइंट तक प्रोड्यूस किया, ओके सर। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क BCD एट द सेंटर इज 140, ये वाला 140 है, देन फाइंड एंगल BAD। अरे सर
सस्ता सवाल, इतना इजी। देखो ये 140 है तो ये कितना आ गया सर, हाफ होगा 70 डिग्री, ठीक है सर। एंड डीसीपी, अब देखिए यहां से एक कंसेप्ट भी निकल जाता है, अगर ये 70 है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 110 होगा, क्योंकि एडीसीबी क्या है बच्चे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, और अगर ये 110 है तो ये वापिस से 70 डिग्री होगा। लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन है सर, तो लीनियर पेयर इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 70 हो गया। तो यहां से एक और कंसेप्ट निकलता है, क्या कंसेप्ट निकलता है बेटा, ये चीज देखिए ध्यान से, कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अगर एंगल ये थीटा है तो अपोजिट का एक्सटर्नल भी थीटा होगा। क्यों, देखिए ध्यान से, ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा, और ये 180 माइनस थीटा तो ये थीटा, तो वी कैन से कि अपोजिट का एक्सटर्नल भी क्या होगा, थीटा डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, यही मैंने आपको प्रूव करने के लिए बोल दिया, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, प्रूव करना है, यही क्वेश्चन में आपको गिवन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको भगा रहा हूं, ये तो सस्ते सवाल है ना, तो मैं निकाल रहा हूं जल्दी जल्दी कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कहीं आपको ऐसा लगे कि सर तो टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। जल्दी जल्दी मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके टाइम की बहुत वैल्यू है, हमारे की तो है ही, आपके भी बहुत वैल्यू है। तो आइए क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है सर, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं लिख देता हूं। अगर ये 92 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बेटा, कैन आई से 92 डिग्री प्लस एंगल सी डी ए शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर, तो एंगल सी डी ए कितना आ गया बेटा, 88 डिग्री, ये एंगल मैंने लिख दिया 88 डिग्री, मुझे इतना समझ में आया उतना लिख दिया, ठीक है सर। ए ई इज ड्रॉन पैरेलल टू सी डी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है बच्चे, ठीक है सर। तो अगर ये 88 डिग्री है तो ये वाला भी 88 डिग्री होगा सर, 88 डिग्री होगा सर, क्या होगा, 88 डिग्री होगा सर, कोई इंटीरियर एंगल है सर, ठीक है, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आप बताइएगा कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है या को इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ये 88 डिग्री आएगा, जेड फॉर्म हो रहा है बेटा, देखो ऐसे कुछ आ रहा है जेड, ये वाला एंगल 88, तो ये भी 88, या ये 88 तो वो भी 88, ठीक है सर। एफ ए ई, ये जो बीच में छोटा सा एंगल, छोटा सा एंगल जो है वो कितना है, 20 डिग्री। देन फाइंड एंगल बी सी डी, कौन सा एंगल निकालना है बेटा आपको, बी सी डी। देखिए क्वेश्चन अभी आपको कराया वही आ गया, कैसे, देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, यही तो बताया था, इंटरनल के अपोजिट वाला का एक्सटीरियर सेम होगा। अब इसमें क्या पूछ लिया, ये देखो ये पूरा एंगल पता लग गया कितना आया, यहां से लेके यहां तक पूरा एंगल है 88 प्लस 20, दैट इज 108 डिग्री, और यही एंगल तो ये वाला एंगल होगा, है ना, अपोजिट इंटीरियर के अपोजिट एक्सटीरियर के बराबर होता है, सिंपल। तो कहना ही से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 108, बड़ा ही सिंपल सा सवाल। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है दोस्तों तो 88 ये 20 ये कितना आ गया 108 आया, तो ये इसको 72 निकालूंगा, ये 72 आया तो ये वापस से 108 आ जाएगा, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हाँ ये सवाल जो है ये अच्छे सवाल है दोस्तों, ऐसे सवाल आ सकते हैं आपको। पी क्यू आर एस इज फॉर्म्ड, द प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज ऑल्सो साइक्लिक, क्या दे रखे हैं, एंगल बाइसेक्टर दे रखे हैं, ये सारे जो लाइन सेगमेंट है ये अंदर वाली वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल्स को इक्वल हाफ में डिवाइड करे। आपको प्रूव क्या करना है कि वो भी जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, साइक्लिक है। तो बेसिकली यू नीड टू प्रूव एंगल पी प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तभी तो साइक्लिक हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना है। और ये कैसे प्रूव करोगे, देखिएगा ध्यान से, कैन आई से एंगल ट्राइंगल, देखिएगा ध्यान से, ट्राइंगल ए पी बी उठाया मैंने,
कौन सा ट्राइंगल उठाया बेटा? ए पी बी। एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर सम कितना होता है 180 डिग्री। पी ए बी को क्या मैं लिख सकता हूं? पी ए बी एंगल जो है, पी ए बी ये वाला एंगल जो है, दैट इज हाफ ऑफ एंगल ए। क्यों? क्योंकि पी ए जो है वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है सर। एंगल बाइसेक्टर है तो इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो हाफ ऑफ होगा। और अगर आप उसको दूसरे वे से लिखना चाहो तो हाफ ऑफ एंगल ए। सिमिलरली पी बी ए को मैं हाफ ऑफ एंगल बी भी लिख सकता हूं, प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ सर, ये समझ में आ गया आपको, ये हमें समझ में आ गया। सिमिलरली ट्राइंगल उठाया मैंने डी सी आर, तो कहना इसे यहां पे भी सेम तरह के सेम वे से लिखूं सिमिलरली करके, तो हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी इज प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ध्यान से, एक ये एंगल और एक ये आर वाला एंगल, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया बेटा तो क्या आया? देखो, एक तो एंगल आर आया और एक एंगल पी आया, तो एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस, देखो यहां हाफ, यहां हाफ, यहां हाफ, यहां हाफ, चारों जगह हाफ है, तो मैंने हाफ कॉमन ले लिया और क्या बचा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू, ये 180 डिग्री और ये 180 डिग्री कितना आ जाएगा बेटा? 360 डिग्री। ठीक है सर, तो एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस हाफ ऑफ, अब देखिए एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होता है सम? 360 डिग्री सर, इक्वल टू 360। हाफ ऑफ 360 कितना होता है? 180 सर, 180 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एंगल आर प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 180 उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 180 बच जाएगा, तो मेरे पास यहां से आ गया एंगल आर प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड सिमिलरली भी प्रूव कर सकते हो, या ऐसे भी प्रूव कर सकते हो कि वी नो दैट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल पी प्लस आर प्लस एस प्लस क्यू का सम भी 360 डिग्री होना चाहिए। लेकिन आर प्लस पी का तो 180 है, तो क्यू प्लस एस का भी क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और जैसे ही आप ये बोलोगे, हमने जो प्रूव करना था वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है और इसीलिए ये आपका क्या है? होमवर्क है दोस्तों। क्या है ये? होमवर्क है। कुछ नहीं करना आपको, बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और दो ट्राइंगल ढूंढने हैं जो आप कॉन्ग्रेंट कर पाओ, तभी जो ये प्रूव करना है आपको दो पार्ट, वो आप प्रूव कर पाओगे। अच्छा सवाल है दोस्तों, अगर पेपर टफ आया तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, प्लीज अटेम्प्ट करिएगा, प्लीज 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 रिक्वेस्ट है मेरी, जरूर करिएगा। मैं अच्छे क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाता हूं क्योंकि अगर मैं करवा दूंगा ना तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ सर ने करवा दिया, हो गया, तो आप ट्राई नहीं करोगे। आप पहले ट्राई करिए, ये देखो ये है ना माइंडसेट, इसमें जैसा इनपुट दोगे ना वैसे ही आउटपुट आता है। अभी अगर आपको इनपुट ऐसा मिल रहा है कि क्वेश्चन देखा हमने, अटेम्प्ट नहीं किया, सर ने करवा दिया, हमें समझ में आ गया, तो पेपर में ऐसा नहीं होगा दोस्तों। पेपर में भी क्वेश्चन देखोगे अंदर जाएगा, अब सर तो आएंगे नहीं पेपर में, तो आपका आउटपुट भी नहीं निकल पाएगा, समझ रहे हो कि आप आंसर निकाल नहीं पाओगे। तो पहले अटेम्प्ट करिए, फिर हम देखेंगे कि अगले लेक्चर में आप इसको कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, होप्स हो कि आप लोगों को मजा आया होगा। सर्कल्स चैप्टर प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिएगा, जहां से भी क्वेश्चन मिले आप अटेम्प्ट करते रहिए और एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट्स भेजिए, डाउट्स सॉल्व करिए, इसी में ही आप सीखोगे दोस्तों। किसी के डाउट, अगर किसी को डाउट आ रहा है और आप सॉल्व कर रहे हो तो आप एक स्टेप तो उससे पहले ही आगे हो। ऐसे ही बढ़ते रहिए दोस्तों। जो बच्चा यहां तक पहुंच चुका है उसके लिए एक अनाउंसमेंट, मेंटी क्विज आप लोगों को पता है आ रहा है और वो फाइनल हो चुका है। रक्षक सर एंड पुनिया जी आएंगे एक साथ आपके लिए लाइव सेशन, टाइमिंग्स आपको बता दी जाएंगी दोस्तों, और सिलेबस मैं बता रहा हूं पहले 5-6 चैप्टर में से पूछूंगा, तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज।
प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।